सभी से मेरा निवेदन है कि सभी सिद्ध होकर के बैठेंगे और मैं पूरी तन्मयता के साथ में थोड़ी सी देर आपको कुछ भजन सुनाना चाहता हूँ। आपका पूरा ध्यान चाहूंगा। हमारे सैनी साहब जी भी यहाँ पर पधारे हैं। मुझे कुंवर सुखलाल जी की गजलें भी याद आ रही थी, तो आज एक कुंवर सुखलाल जी की गजल जो शायद बहुत कम लोग गाते हैं उसको सैनी साहब को पसंद है। सैनी साहब जी को पसंद है, आपके बिना तो मैं चलने गए नहीं हूँ। शुरुआत में आपसे और जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, आदरणीय हमारे पंडित राम रथ जी जो बहुत विद्वान भजनोपदेशक हैं, उन्होंने बहुत गजब के हृदय को छूने वाले भजन रखे हैं, लिखे हैं, ईश्वर भक्ति के, परिवार के, राष्ट्र भक्ति के, देशभक्ति के, इतिहास के। उनका एक भजन से मैं आज पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो एक भजन तो उसके सम्मान में प्रारंभ में ही रखूंगा मैं। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप खड़े ना रहें और इधर उधर जाते ना रहें, बस एक स्थान पर बैठ करके। आदरणीय स्वामी परमानंद जी, स्वामी परमानंद जी, स्वामी परमानंद जी, अपनी माता जी की, माता जी की स्मृति में सामवेद का भाष्य प्रकाशित करवाया है और वो उपहार स्वरूप 15 प्रतियां 15 सेट दो भागों में है सामवेद, वो 15 सेट आर्य समाज बालसुन को भेंट कर रहे हैं। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।
सरस्वती नाम था। और क्या काम था उस ऋषि का, लेके वेद का का संदेशा।
स्वामी जी ने वेदों का एक एक सेट जो है सभी उपदेशकों को दिया है और सम्मान भी जो है उपदेशकों का कर रहे हैं। स्वामी जी का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं और चर्चा आपसे मैं विस्तार से करूं। कुमार सुखलाल आर्य मुसाफिर जो वाणी का जादूगर था, जो बड़े बड़े नेताओं की सभा को रोक देता था, खींचे चले जाते थे, वो वाणी का जादूगर था। और जब अपना कार्यक्रम देते थे तो बाद में नंबर आता था उनका और लोगों से कहते थे रात्रि के 12 बजे के बाद में, देखो भाई सुखलाल हूं मैं, दुखलाल नहीं हूं। तो उनकी एक रचना, बहुत सुंदर सी रचना है, उसको तो सुनने वाले लोग भी विरले ही होते हैं, तो सुनिएगा। बहुत सुंदर सी रचना, जीवन को प्रेरणा देती हुई रचना है उनकी। खिदमते खलक पर जो कि मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, खिदमते खलक पर जो कि मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, किस्मत खटक पर जो कि मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। देश उद्धार करने को एक दो नहीं जी, देश उद्धार करने को एक दो नहीं जी, देख लेना हजारों ही सर जाएंगे, देख लेना हजारों ही सर जाएंगे। आप दिखला रहे हैं किसे तुलसियां, आप दिखला रहे हैं किसे तुलसियां, ये नशे वो नहीं जो उतर जाएंगे, खलक पर जो कि मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, खलक पर तीर पर से दबेंगे नहीं जी, चोट खाकर तो सीने उभर जाएंगे, चोट खाकर तो सीने उभर जाएंगे। लो अछूतों को छाती से लगा लो हिंदुओं, लो अछूतों को छाती से लगा लो हिंदुओं, वरना ये लाल के लगाते रहे जख्म दिल एक दिन इनके भर जाएंगे, कर मोहब्बत का मरहम
की हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, किस्मत खटक पर जो कि मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में भर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, किस्मत खटक पर जो कि मर जाएंगे वो व्याख्यान वेदी पर उपस्थित आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान मनीषी सरल और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आचार्य डॉक्टर धीरज कुमार शास्त्री जी, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के सन्यासी भगवान के भक्त स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान भजनोपदेशक बड़ा स्नेह मेरे से रखने वाले आदरणीय श्री रामरख आर्य जी, आर्य समाज मॉडल टाउन के बहुत अच्छे विद्वान पुरोहित भजनोपदेशक आदरणीय भाई सूर्यदेव वेदांशु जी, और जिनके जीवन के लिए मैं भगवान से ये कामना करता हूं कि 100 वर्षों से अधिक उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहे, आदरणीय श्री सैनी सिंह सैनी साहब जी, और 500 रुपए देकर के मुझे अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। इस आर्य समाज के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता जो पूरे समर्पण के साथ में मैं जिनको देख रहा हूं भाई यतेंद्र जी लगे हुए हैं, आदरणीय बड़ा स्नेह मेरे से रखने वाले आदरणीय भाई श्री बलराज आर्य जी, और जिनसे प्रथम बार मेरा परिचय हुआ है भागीरथ जी, भाई विनोद जी, भाई परवीन जी, एक नौजवानों की टीम यहाँ जो काम कर रही है वो बड़ा ही प्रशंसनीय काम कर रही है, हमारे बहुत अच्छे आचार्य श्री करमवीर शास्त्री जी, उनकी ये समस्त टीम जो यहाँ पर पहुंची है मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे कलाकार साथी भाई सुरेंद्र जी और बहुत अच्छे साउंड मास्टर भाई राकेश जी, और पूजा के योग्य माता बहनों घर प्रेमी बंधुओं, ये गुरुकुल की बहनें मेरे से कह रही थी जी आपका नंबर कब आएगा, आपके भजन सुनना चाह रहे हैं हम तो, मैंने कहा जब आएगा आएगा मैं सुनाने के लिए मैं भी तैयार हूं, तो मैं अब यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा पूज्य आचार्य जी कर रहे थे, और ये सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जो पौराणिक लोग हुए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश बांटे, सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसका जादू सर माथे पर चढ़कर के बोलता है। वीर सावरकर ने सत्यार्थ प्रकाश की प्रशंसा में बहुत गजब की बात कही थी, सुनना जरा ध्यान से, कि ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ये हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्णता का संचार करने वाला है, और जब तक ये सत्यार्थ प्रकाश मौजूद है कोई मत मतांतर वाला अपनी मत की सेखी नहीं मार सकता, सबकी जड़ें हिला करके रख दी, बहुत गागर में सागर उस ऋषि ने भर दिया इस सत्यार्थ प्रकाश ने। प्रथम समुल्लास ऋषिवर देवदयानंद जी का ईश्वर को लेकर के है, ईश्वर के नामों को लेकर के है, पूरे विश्व को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास ऋषि का है प्रथम समुल्लास। और आज आपके बीच में मैं कविरत्न प्रकाश जी का एक भजन जिसकी जो है 2-3 दिन से जो है फरमाइश आ रही है,
उसकी ओर मैं आपका इशारा चाहूंगा कि ऋषिवर देव जैनल जी का ईश्वर के प्रति इतना प्रेम था कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास ईश्वर की प्रशंसा में ईश्वर की महिमा में लिखते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में अनेकों स्थानों पर ऋषि लिख रहे हैं कि जो मंदमति वाले लोग ईश्वर को नहीं जानते वे सदैव दुख के सागर में डूबे रहते हैं, दुख के सागर में डूबे रहते हैं। और वो ऋषि कभी अपने दुख में नहीं रोया, रोया तो तब जब एक ईश्वर को छोड़कर के मिट्टी के खिलौनों से खेलने लग गए थे हम लोग, जब अपने भगवानों को छोड़कर के कब्रों पर जाकर के चतरे चढ़ाना शुरू कर दिया था, विधर्मियों की कब्रों को पूजना प्रारंभ कर दिया था। और आज भी वर्तमान समय में राम के मंदिर कम होते जा रहे हैं, राम का नाम कम लोग ले रहे हैं, साईं के मंदिर और साईं का नाम बढ़ता जा रहा है। निवेदन आपसे करने लगा हो, उस ऋषि वर देव दयानंद जी ने एक ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया, एक ईश्वर की भक्ति का लोगों को उपासना का संदेश दिया। कैसा है वो ईश्वर, कैसा है वो परमपिता परमात्मा जिसको हम लोग जान नहीं पाए, जिसको अभी पहचान नहीं पाए। कुमार शुक्लाल आर्य मुसाफिर ने पंक्तियां लिखी थी, अगर तू कहीं है तो सूरज दिखा दे, ये मंदिर व मस्जिद के झगड़े मिटा दे और हमें अपनी हस्ती से आगाह कर दे, वरना हमारी भी हस्ती मिटा दे, हमारी हस्ती मिटा दे। निवेदन आपसे करना चाहता हूं, एक एक पंक्ति को जरा ध्यान से सुनना। कवि रत्न प्रकाश जी भगवान के बहुत गजब के भक्त थे और ऐसी रचना को वही लिख सकता है जिसने भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लिया है। कितनी मेहनत के साथ में इस गीत को कवि रत्न प्रकाश जी ने लिखा। गीत को जब जब सुनते हैं मन जो है आनंद से भर जाता है, आत्मा जो है आनंद के सागर में डूब जाती है। मैं ये गीत कानपुर में सुना रहा था, जैसे आर्य समाज का मंदिर है ऐसे ही बराबर में एक पौराणिक मंदिर भी था। उस पौराणिक मंदिर में पुजारी इस गीत को बैठ कर के सुन रहा था और जब गीत समाप्त हुआ तो सीधा मेरे पास में आकर के मुझे अपने हृदय से लगा करके कहता है, शास्त्री जी मैंने आज तक भगवान की भक्ति का ऐसा भजन नहीं सुना है। मैं मंदिर में बैठा था और मंदिर में बैठ करके वो आनंद मुझे आ रहा था, मन ने कहा कि एक बार उससे मिलके आऊं जिसने ये गीत गुनगुनाया है। सुनना जरा ध्यान से, मैं कवि रत्न प्रकाश जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं दे करके हमको गए हैं। सुनना जरा ध्यान से कि मैं तुमको डगर में मेरा भटकता गिरी का हबर में वन और डगर डगर में अटन में वटन में वितनी में वितनी में भिक्षन में बेलन में वाटिका में वन में घरों में दीवार में हिरण में हरण में भूषण में तन में हिरण में हरण में भूषण में तन
मैं दुखित मन प्रभु ही दिखाई दे प्रभु मेरे छाए रहे नन में मन रे प्रभु मेरे छाए रहे नन में मन रे प्रभु मेरे छाए रहे किंतु पास मेरे तुम्हें हरदम भी जान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया न पाया न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको रब शशि से पदार्थ चमकाए अनौषधि फल फूल उगाए शशि से पदार्थ चमकाए अनौषधि फल फूल उगाए विविध रंगों के फूल लगते पगिल कैसे चकते अलबेली लटी की हरी साड़ी के जान चक्ष खोल प्रभु रचना अपार रखो है नाय खुद को अचतने अनाड़ी के नाय खुद को अचतने अनाड़ी के बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के बीज बिना वृक्ष बिना तिल कब तेल होए ऐसा विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के ऐसा विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के ऐसा विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के तुम समान इस जग में कोई कलुषित मन गोया नहीं कभी 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 कलुषित मन अनशन जग में प्रकाश कोई सच्चा नहीं अनशन और कोई शत्रु दंगा है मन ही मिलाता इस मन ही दिलाता मुक्ति मन ही तो डालता सब सर्वों में करंगा है मन ही से रीत प्रीत मन ही से प्रेम गीत मन ही से कल है कपट द्वेष दंगा है मन है मरीज तो लचीज कोई चीज नहीं मन यदि चंगा तो कटोरी में ही गंगा है मन यदि चंगा तो कटोरी में ही गंगा है मन यदि चंगा तो कटोरी में ही गंगा है अधिर्गा प्राणी शुद्धि मना सत्य न शुद्धि विद्या तपो प्यात्मा बुद्धि जाने न शुद्ध थे जब से गोया मन मन कर तन गोया नहीं कभी कलुषित मन हट जाते शिशु की बोली
जिसके पाने पे स्वर्ग की बाहर कुछ भी नहीं, चक्रवर्ती स्वराज में है सार कुछ भी नहीं, जिसके सम्मुख कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं, जिसके आगे किस सुंदरी का प्यार कुछ भी नहीं। आग चकमक में है जैसे हवा धगन में है, लाल मेहंदे के पात में महक सुमन में है, जैसे मक्खन दही में ज्योति जो नयन में है, यूं बसावा प्रकाश प्राणियों के मन में है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता सांसे मेरा पत्ता पत्ता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता सांसे मेरा खेत मानो प्रकृति नहर की कपट लहराया है, कहीं बरसाया है उनका गुंड जल प्रकाश, कहीं प्राण बोध बोध बोधि तरसाया है, कहीं प्राण बोध बोध बोधि तरसाया है, हुआ है उजाले में आंखों में चक्का चौंध, कहीं कहीं अधिकार अंधकार ने जमाया है, पार नहीं पाया चतुरों का चित चकराया, प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया है, प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है। पाया पता प्रकाश तुम्हारा, ऐसा होना चाहिए मैं यज्ञशाला में देख करके बड़ा ही जो है देख करके बड़ा गदगद हो रहा था, मगर ये होता है असली जीवन। माताएं बहने बैठ जाएंगी, बस 5 मिनट और बैठ जाएंगी, इनकी भी तपस्या है, बस 5 मिनट और बैठ जाएं। हमारे आदरणीय भाई कोषाध्यक्ष विवेक जी, भाई रमेश जी मेरा सम्मान कर रहे हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन में जब आप झांक करके देखेंगे ना, तो ईश्वर भक्ति का प्रताप था, साहस के धनी थे, निर्भीक सन्यासी थे, जोधपुर जाना चाहते थे, भक्तों ने रोका पर बेधड़क चले गए, और जसवंत सिंह घटना तो बहुत लंबी सी है पर समेट देता हूं। एक वेश्या की पालकी को कंधा दे रहे हैं राजा, और ये कहा तुम शेर पुत्र होकर के कुतिया पर मरते, बस वहां से ही जो है गड़बड़ हो गई थी। अगर ऋषि दयानंद जोधपुर ना जाते ना,
जरा ध्यान से सुना जरा पंक्तियों को, मैं इस समय अपने आप को रोक रहा हूं। ऋषि जोधपुर न जाते, ऋषि जोधपुर न जाते तो चोर बात होती, तो चोर बात होती, पापी न विष पिलाते, तो चोर बात होती, तो चोर बात होती, किसी जोधपुर न जाते तो चोर चोरी बात होती।
जाते तो कुछ और बात होती, और वो सूर्य जहां में और भी प्रकाश देता, भानु को ना छुपाते तो कुछ और बात होती। वो जहर का प्याला हाथों से जो छूट जाता या हाथ थरथराते। आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री श्री चौधरी सैनी साहब जी 500 रुपए दे करके पुनः सम्मानित कर रहे हैं, हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। वेदों का भी अधूरा जो भाष्य रह गया है वो मेरा ऋषि चार चांद लाता। उसमें मैक्स मुलर जब वेदों के भाष्य को पढ़ता है तो कहता है ऋषि ने कमाल कर दिया है, शब्द नहीं है जो भाष्य ऋषि दयानंद ने किया है। अरे उस भाष्य को पढ़ करके तो पौराणिक लोगों ने शास्त्रार्थों को जीता है। मैं कहां तक उसका गुणगान करूं, मेरे पास में समय नहीं है। दयानंद की चर्चा फिर आगे मैं आपसे करूंगा। हमारे पुस्तक विक्रेता जी भी मुझे सम्मानित कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत अच्छी अच्छी सामग्री लेकर के आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ओम के झंडे हवन कुंड सामग्री लेकर के आए हैं। आप लेकर के जाएंगे, दो बहनों की पुस्तक बहुत गजब की है वो लेकर के जाएंगे, सुखी गृहस्थ छोटी सी पुस्तक है। और हमारे राम रक्षी की ये जो मैं गीत गा रहा हूं ना, आपने देखे होंगे, इससे भी और गजब के मोती उस भजन के अंदर है, वो भी आप इनसे खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं रुकना चाह रहा हूं, रुकने का मन नहीं है, पर माताएं बहनें जा रही है, मुझे रुकना पड़ेगा। और सभी महानुभावों का, आर्य सज्जनों का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे बड़े प्यार से सुना है, बड़े मनोयोग से सुना है। भाई राकेश जी ने गजब का साउंड कर रखा है, और तालियों की गड़गड़ाहट से इनका सम्मान करेंगे। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इत्यो सम सम सम